सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहम व फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। कोई रास्ता निकालो लियोन, तब्दीली का ऐलान करो, रकम लगाने वालों से कहो कि अभी से तुर्क की तारीफ करना शुरू कर दें। यह अतालवी जबान में है। फातिमा सुल्तान के लिए आने वाला रुक्का भी इसी जबान में था। ये कागजात अहम हो सकते हैं। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। सबको बताने का वक्त आ गया है कि आपके बाबा के साथ क्या किया गया। लिखा है कि सुल्तान मौसम ने अपने भाई की जानबूझकर गलत तशखीस करवाई। चाहे कुछ भी हो जाए, हम चचा जान को रियासत के खिलाफ उस तंजीम के बारे में आगाह जरूर करेंगे। हम बाबा के बारे में दस्तावेजात भी चचा को दिखाएंगे। एक दीवार, उस पर दो स्तून और पीछे से निकलता हुआ सूरज, इसके नीचे एक दवा के बारे में मकाला है। उसने अखबार में बिल्कुल वही खबर शाया की है जो हमने उसे टेलीग्राम में भेजी थी। तो अब हमारे मेसन भाई भी इस खुफिया पैगाम को पढ़ सकेंगे। क्या आपको कोई सुराग मिला? हमें मिला है पाशा, मिला है। हम इस खुफिया पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर मुलाकात की जगह और वक्त लिखा हुआ है। उनके इबलाग को समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं था इस्माइल पाशा। अलामतों के साथ अपने खुफिया अल्फाज को छुपाते हैं। मैं जो खबर उन्हें भेजना चाहता हूँ वो अखबार के अंदर छुपी हुई है। यहाँ तक के उस्मानी सरजमीन छोड़ने से पहले वो अखबार रियासत के हाथ लग जाए, तब भी उस पोशीदा खबर को कोई समझ नहीं पाएगा। हम आधी रात को वहाँ छापे मारेंगे। अगर अहमद पाशा मेसन है तो वो भी वहाँ होंगे। हम उनको खत्म कर देंगे। उन्होंने उस गद्दार को कहाँ देखा? बेसिक तास में पाशा, वो सरांजी ढलान से नीचे की तरफ गए और फिर अकारी तिलर की तरफ चले गए। जल्दी जाइए आप और सबको सूरत हाल से आगाह कीजिए। लो खाओ। आइए मलिका। सुल्तान मौसम, बताइए क्या मसला है जिस पर आप फौरी तौर पर बात करना चाहती हैं? जब आप ये पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। हमारे भाई मुराद साहब के तिब्बी तजज़ियात। जी हाँ, लिखा है कि मुराद साहब बिल्कुल सेहतमंद थे। ऐसे पेश किया है जैसे आपने तबीबों के साथ मिलकर उन्हें माजूल किया हो। ये जाली दस्तावेजात हैं। ये लिखने वाले तबीब उन दिनों पायतख्त में नहीं थे और ये मोहर भी उनकी नहीं है। लेकिन ये आपको कहां से मिली है मलिका? हम आपको बताते हैं। फातिमा बेटी के कमरे से। जी, उन्हीं के कमरे से मिली है। जाहिर है कि ये उन्होंने आपके खिलाफ तैयार करवाई है। वो साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके वालिद को ना हक माजूल किया गया था। आप गलत हैं। फातिमा बेटी ने हमारे पास आकर उस धोखेबाज का इंकशाफ किया है। अगर ये उन्हें अपने कमरे में मिली होती
तो वो ये दस्तावेजात भी हमें दिखा चुकी होती है। क्या आप इन दस्तावेजात से वाकिफ हैं? बिल्कुल, उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया है। कुछ अर्से पहले उन्हें खत मिला था जिसमें लिखा था कि आपके बाबा एक साजिश का शिकार हुए हैं। वो उस खत के ताकुब में थीं और बिलाखिर वो उस शख्स तक पहुंच गईं जिसने जालसाजी से ये तजज़ियात तैयार किए हैं। उन्हें इन दस्तावेजात की सदाकत पर शुबा था। उन्होंने हमारे पास आकर सब कुछ बता दिया। हमने उन्हें असल तिब्बी तजज़ियात दिखाए। आप ये ना लातीं तो वो हमें दिखा देतीं। हम समझ गए थे कि फातिमा सुल्तान इख्ला हासिल कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए थे कि आखिर वो क्या कर रही हैं। क्या इस वजह से आपने खुफिया तौर पर उनके कमरे की तलाशी ली? सुल्ताने मौसम, अगर आप उन्हें कायल करने में कामयाब ना होते तो वो ये तजिया जात अखबारात को देकर परेशानी का सबब बन सकती थी। आप गलतफहमी का शिकार हैं। अगर ये तजदियात दुरुस्त होते तब भी फातिमा बेटी ऐसा हरगिज नहीं करती। वो सिर्फ हमारे पास आकर जवाब तलब करती। समझ गए, हमें खुशी है कि ये महज गलत फहमी थी। फातिमा बेटी की बदौलत ही अब हम इस बदनामी के जिम्मेदार लोगों को हिरासत में लेंगे मलिका, और इस बार हम उनका मुहासबा करेंगे। इंशाल्लाह सुल्ताने मौसम, इंशाल्लाह। कुछ नहीं है। लगता है उन्हें छापे के बारे में मालूम था, इसीलिए उन्होंने जगह खाली कर दी। हमें खबरदार करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आप हम में से एक हैं। पाशा, आपने ये क्या किया? आप इस्माइल पाशा को कैसे गोली मार सकते हैं? मैंने एक गद्दार को गोली मारी है, पाशा को नहीं। कोई गद्दार पाशा नहीं हो सकता। छोड़िए अहमद पाशा। कागज में क्या है? मेरे भाई, इजलास का मकाम कुमकापी में पुराना बासंतीनी महल है। आधी रात को, वक्त कम है। आप कहां जा रहे हैं अहमद पाशा? गद्दारों के अड्डे पे तहसीन पाशा। आप फौरी तौर पर जाइए और सुल्तान मौसम को आगाह कीजिए। जल्दी
सुल्ताने मौसम। मलिका। सुल्ताने मौसम, तहसीन पाशा ने बताया कि आपकी तबीयत नासाज है। आपने कुछ बताया क्यों नहीं? तबीब साहब की खिदमात भी कबूल नहीं की। आपको देखकर हमारी सारी तकलीफ खत्म हो गई है। सुल्ताने मौसम, ऐसा मत कीजिए। इजाजत दीजिए कि हम तबीब को बुलाएं, सिर्फ मुआयने के लिए। हमारे सेहतयाब होने के लिए मालिश की दवा के बजाय आपकी शीरी गुफ्तगू ज्यादा मुअसर है। अगर हमारी शीरी गुफ्तगू आपको शिफा बख्शती है तो हम तबीब के मुआयने से पहले आपसे एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। सुल्ताने मौसम, तो आप हमें और बीमार करना चाहती हैं मलिका। सुल्ताने मौसम, अगर आपको हमारी बातें शिफा देती हैं तो ये आपके दिल की खूबसूरती है, लेकिन इस दिल को बीमारी से बचाने के लिए अक्सर मुआलिज की जरूरत होती है। ठीक है मलिका, एक अहम मामला है, उसके हल के बाद हम वादा करते हैं कि अपना मुआयना करवाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लॉज के सातवें रुकन कत्ल के मुर्तकिब हुए हैं, इस वजह से हमें इजलास करना पड़ा। तो वो आप हैं जिसने हमें खुफिया खबर के जरिए यहाँ जमा किया है। अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि आपने एक बड़ा खतरा मोल लिया है। हमें इजलास का अहतमाम तो यकीनन करना था, लेकिन मेरे ख्याल में हमने इसमें जल्दी की है। हमारा पाशा रुकन अब तक इजलास में नहीं पहुँचा। हाँ, मैंने इजलास बुलाया है। हमारा सातवां रुकन अपने ताकुब करने वाले सिपाहियों से छुपकर यहाँ आएगा। कत्ल से पहले ही हम सबको मालूम हो चुका था कि हमारा सातवां रुकन ज़ुल्फ़लु इस्माइल पाशा है। ज़ुल्फ़लु इस्माइल पाशा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अखबारात में बयान दिया था, लेकिन अब वो एक कातिल बन चुका है। अगर वो गिरफ्तार हो गया तो किसी को अपना जानशीन मुकर्रर नहीं कर सकेगा, और हम कभी भी अपने ख्वाब की ताबीर यानी अजीम लॉज नहीं बना सकेंगे। आपने ठीक किया। इस बारे में बात करते हैं कि अगर मेसन अराकीन में से कोई कत्ल का मुर्तकिब होता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई मेसन रुकन कत्ल करता है तो हम इजलास बुलाते हैं। इजलास में कातिल रुकन अपना दिफा करता है और तमाम तफसीलात से हमें आगाह भी करता है। अगर हम सब उसकी रुकनियत खत्म करने की हिमायत करते हैं तो उसे अपना कोई वसी मुकर्रर करने का कहा जाता है। हम 6 अराकीन हैं, अगर दोनों तरफ की आरा बराबर हुई तो हम क्या करेंगे। मेसन तंजीम में शामिल होने वाले सबसे पुराने रुकन की राय को 2 अफराद के बराबर शुमार किया जाएगा। रिवायात के मुताबिक ऐसा करने की वजह उसका तजर्बा है। ठीक है। कहिए पाशा। सुल्ताने मौज़म, मैंने अहमद पाशा का ताकुब किया। फिर क्या हुआ? उन्होंने इस्माइल पाशा को गोली मार दी। गोली लगने के बाद उन्हें बग्गी में ले जाया गया। सुल्ताने मौज़म, उनकी हालत कैसी है? नहीं जानता सुल्ताने मौज़म। अहमद पाशा ने हमारी हुक्म अदूली की है। अगर वो मेसन नहीं तब भी उन्हें इस बात की सजा जरूर दी जाएगी। वो इस कदर बहक गए हैं कि हमारा हुक्म भी नहीं माना। सुल्ताने मौसम, जब अहमद पाशा ने इस्माइल पाशा को गोली मारी तो उन्हें इस्माइल पाशा की जेब से एक खत मिला। खत में मेसन इजलास की जगह का पता लिखा था। अब अहमद पाशा कहाँ है? वो इजलास की जगह पर छापा मारने चले गए हैं सुल्ताने मौसम। अब यह घिरा खुल जाएगी पाशा। हमने सलीम पाशा को वहीं भेजा है जहां अहमद पाशा जा रहे हैं। अगर सलीम पाशा आकर बताएं कि मेसन इजलास वहां हुआ था
और अहमद पाशा नहीं बताते, हम जान लेंगे कि गद्दार अहमद पाशा है। सुल्तान मासूम, हमें फौरी तौर पर तबीब को बुलाना चाहिए। इसकी जरूरत नहीं, हम पहले ये मसला हल करेंगे, इसके बाद किसी और मामले को देखेंगे। पहले हमें यह मामला हल करना है। आखिर आप इजलास में तशरीफ ले आए। आप जानते हैं कि हमारे मिशन भाइयों में से किसी को भी लाज के फैसले के बगैर किसी के कत्ल की इजाजत नहीं है। आपने कत्ल किया है तो आपको अपना दिफा करना होगा। हम सुन रहे हैं। मेरे भाइयों, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं अखबारात को बयान देने वाला जुल्फलु इस्माइल नहीं हूं। अब्दुल हमीद ने इस्माइल पाशा के जरिए एक मंसूबा तरतीब दिया है, इसलिए ना यहाँ कोई कातिल है और ना ही कोई दिफा किया जाएगा। हमें ये जगह फौरन छोड़ देनी चाहिए। अब्दुल हमीद के सिपाही कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे। लेकिन हमें आप सबके दस्तखत दरकार हैं हमारे अजीम लॉज को बनाने के लिए। अभी इसी वक्त हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, वरना हमारी अगली मुलाकात अब्दुल हमीद के जिंदान में होगी। वैसा ही है जैसा तुमने बताया था। काशगर के लोग लड़ने में बहुत माहिर होते हैं। जी चाचा, वो तुर्कों का जोर बाजू दिखा रहे हैं। ये मुकाबला तूल पकड़ रहा है। इससे पहले मुकाबले चौथे दौर तक आने से पहले खत्म हो गए थे। वो थक चुके हैं भाप। उनका इस मुकाबले में हिस्सा लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। दूसरे को देखो जरा, क्या ऐसा लगता है कि वो इससे पहले दो मुकाबलों में लड़ चुका है? आप ठीक कह रहे हैं अशरफ अजीज साहब, इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा होते नहीं देखा। हमें ये करना है वहाँ, इंतखाबात से पहले हमें ये मामला खत्म करना है। परेशान मत हो, जल्द जीत जाएगा नादिर। शाबाश नादिर साहब, जीत आपकी ही होगी। अल्लाह भारत करे। आधी रात का वक्त गुजर चुका है पाशा। सुल्तान मौसम, अगर सलीम पाशा ने मैसन इजलास पर छापा मारा और अहमद पाशा भी वहां मौजूद हुए तो सब मामले हल हो जाएंगे। सुल्तान मौसम, ऐसा ही है पाशा, ऐसा ही है। वो हमेशा से हमारी रियासत पर हमलावर हैं, अपनी चालों से हमें शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौसम, अब वो आपको निशाना बना रहे हैं। वो समझ गए कि आप रियासत का अहम सुतून हैं
और ये भी जानते हैं कि अगर आपको शिकस्त देंगे तो रियासत भी खुद ब खुद गिर जाएगी। अब उन्होंने हमें तन्हा करने के लिए हमारे दोस्तों पर हमला किया है, वो हमें कुर्बान करना चाहते हैं। हम कुर्बान हो जाएंगे पाशा, इस रियासत के लिए हम कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन वो हमारे बाद हमारी रियासत के भी टुकड़े करना चाहते हैं। ना हम खुद उनके लिए कुर्बान होंगे और ना ही इस रियासत को कुर्बान होने देंगे। इंशाअल्लाह सुल्तान मौसम। बताइए सलीम पाशा। सुल्तान मौसम, आपके दिए गए पते पर छापा मारा। वो पहले ही छापे के बारे में जानते थे इसलिए फरार हो गए, लेकिन हमें वहां ये मिला है। तो वहां वाकई मेसन इजलास मुनक़िद हुआ था। क्या आपके पास बतौर गवाह सिपाहियों में से कोई है? जी सुल्तान मौसम, अर्तुरुल दस्ते के सिपाही इसके गवाह हैं। ठीक है पाशा, अहमद पाशा भी कुछ देर में आ जाएंगे, देखते हैं वो क्या कहेंगे। उनके जवाब के मुताबिक हम उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं पाशा, आप तैयार रहिए। तुम कह रहे थे ये तीसरे मरहले तक नहीं जाएगा, ये तो पांचवें तक पहुंच गया। तुम्हारे आदमी क्या यहाँ सिर्फ मुकाबला देखने के लिए आए हैं? लियोन संभालो इसे। नादिर साहब, ये आखिरी मरहला है, आपको ऐसे ही जमे रहना है। इसके गुर्दे पर वार करें, तीन चार वारों से ये गिर जाएगा। धोखा दे रहे हैं, इसके पास ताकत बढ़ाने की दवा मौजूद है। ये क्या किया? अभी बता नादिर साहब आप ठीक हैं? नादिर साहब का बाजू टूट गया है, नादिर साहब का बाजू टूट गया है। कमांडर नादिर साहब सुल्तान मौसम, क्या आपने इस्माइल पाशा पर गोली चलाई है? उन्हें पकड़ने का कोई और रास्ता नहीं था। हमारा हुक्म क्या काफी नहीं था पाशा? उनको गोली मारने के बाद आपको उनकी जेब से खत मिला था, वो पता जहां मेसन इजलास मुनक्किद होना था, क्या आप वहां गए थे? गया था। अगर आप वहां गए थे तो छापा भी मारा होगा। जी बिल्कुल, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। सुल्तान मौसम, हमें गुमराह किया गया है।
असल में तो आपने हमें गुमराह किया है पाशा। क्या मैं गिरफ्तारी का हुक्म दूं सुल्तान मौसम? सुल्तान मौसम सिपाहियों कबीब को बुलाइए। सुल्तान मौसम सिपाहियों जल्दी आओ। सुल्तान मौसम क्या हुआ आपको? ऐ जमीन व आसमान के मालिक, ऐ हमारे शाफी रब, सुल्तान मौसम को शिफा अता फरमा, उन्हें सेहत व आफियत वाली जिंदगी अता फरमा। आमीन। तहसीन पाशा, क्या हुआ है सुल्तान मौसम को? सुल्ताना, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई, तभी मुआयना कर रहे हैं। उन्हें क्या हुआ है पाशा? हम उन्हें देखना चाहते हैं। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। इंतजार नहीं कर सकते, हम उन्हें फौरन देखना चाहते हैं। यकीन करना चाहते हैं कि वो सांस ले रहे हैं। हम इल्तिजा करते हैं, इजाजत दीजिए तहसीन पाशा। ठीक है सुल्ताना। सुल्ताना, आपसे गुजारिश है कि आप बाहर इंतजार करें। सुल्ताना बैठ जाइए। अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, हम बहुत डर गए थे, हमें लगा वो हमें तन्हा छोड़ गए हैं। अल्लाह सुल्तान मौज़म को लंबी जिंदगी अता फरमाए। अभी सुल्तान मौज़म ने बहुत कुछ करना है, वो अपना कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती। बाबा को क्या हुआ है तहसीन पाशा? कुछ अरसे से उन्हें गुर्दों में तकलीफ थी, लेकिन वो बर्दाश्त कर रहे थे। हाल ही में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसने भी उन्हें तकलीफ दी, अल्लाह उसे उसकी तमाम खुशियां छीन ले। आमीन आमीन सुल्ताना। सिपाहियों, तुम यहां किस लिए खड़े हो? हम नए अहकामात के मुंतजिर हैं। हमने एक अहम फरीजा अंजाम दिया है पाशा। कैसा फरीजा? तफसीलात सलीम पाशा जानते हैं। हम उनके साथ वहां गए थे जहां सुल्तान मौज़म ने जाने का हुक्म दिया था। कहां? कुम कापी। वहां एक पुराना बाज़ंतीनी महल है, उस जगह छापा मारा था हमने। फिर क्या हुआ? इत्तलात के मुताबिक वहां एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले वो लोग जा चुके थे। हमें वहां कोई शख्स नहीं मिला। जब तुम लोग वहां गए तो क्या तुम्हें वहां कुछ मिला? कुछ नकाब मिले थे पाशा। गोली बाजू को छूकर गुजरी है, लेकिन इन्हें अस्पताल ले जाना होगा। यहाँ इनका इलाज करना मुमकिन नहीं। इन्हें बाहर नहीं ले जा सकते। इनका दुश्मन अहमद पाशा और सिपाही इन्हें ढूंढ रहे हैं। तबीब याकूब साहब को बुलाया है, जल्द यहाँ आ जाएंगे। इनकी हालत बता दी है, इनका इलाज यहीं किया जाएगा। सारा मंसूबा तबाह हो गया। अगर वो पाशा ना होता तो अब्दुल हमीद के फौजी हमारी तंजीम को तबाह कर चुके होते। आपको क्या लगता है ये पाशा कौन है? इन हालात में मुझे लगता है कि महमूद पाशा या फिर जुल्फलु इस्माइल पाशा हो सकते हैं, लेकिन महमूद पाशा इस वक्त माजूर हैं, आपको मालूम है। इस हालत में वो इजलास में शिरकत नहीं कर सकते, लिहाजा वो मैसन नहीं हो सकते। और हम जानते हैं कि जुल्फलु इस्माइल पाशा भी मैसन नहीं है। तो फिर कौन है? मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, मगर मैं ये जानता हूँ कि उसकी गद्दारी अब्दुल हमीद की कमर तोड़ के रख देगी। उसने उन तमाम पाशा हजरात की गद्दारी को देखा है जिनका मैंने अभी जिक्र किया। हाँ, मगर हमारा मैसन भाई ऐसा पाशा है जिसका अब्दुल हमीद अंदाजा नहीं लगा सकता। तो अब्दुल हमीद को इस बार ऐसा जख्म लगेगा जो कि कभी भी भर नहीं सकेगा।
लेकिन फिर भी वो हमारे इजलास को नाकाम बनाने में कामयाब रहा और हम एक अजीम लॉज नहीं बना सके। अब्दुल हमीद को यकीनन इस बारे में मालूम है। बिल्कुल है, वो यकीनन जानता है। हमें जल्दी करनी होगी। मैं जाके हैकलर से इस बारे में बात करता हूँ। देखते हैं वो कारखाने वाले मसले के बारे में क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। के साथ आप कैसे लड़ेंगे नादिर साहब? क्या क्या फौलाद से बना है ये शख्स? आप बेफिक्र रहे, मुझे यकीन है ये कुछ लम्हों में जमीन पर पड़ा होगा। शाबाश नादिर साहब, आपको हिम्मत नहीं हारनी है नादिर साहब। तुम कर सकते हो मोरिंग्यान। आइए पाशा, आइए, आप बाहर नहीं जा सकते, खुद को मत थकाइए। अल्लाह सुल्तान मौसम की हिफाजत करे, उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। आमीन। क्या हुआ बाबा को, अचानक कैसे बीमार हो गए? अचानक बीमार नहीं हुए, कुछ अरसे से उन्हें गुर्दों में तकलीफ थी। फिलहाल हमें बस यही मालूम है, हमारे बाबा जान हर किसी के बारे में सोचते हैं, सबका बेहद ख्याल रखते हैं, बस अपना ही ख्याल नहीं रखते। मुझे इजाजत दीजिए, कुछ आम मामला देखने हैं।
मैं उन्हें हल करके जल्द ही वापस आ जाऊंगा। हमें लगा उन्हें दोबारा कत्ल करने की कोशिश की गई है। शायद इसीलिए सुल्तान मौज़म की तबीयत इस कदर खराब हो गई होगी। शायद दुश्मनों ने एक बार फिर हम पर हमला कर दिया है। शायद जहर दिया गया हो। वालिदा, हमारे पास कोई सबूत नहीं है और महल में काम करने वालों का इंतखाब आपने बहुत एहतियात से किया है। अब्दुल कादिर ठीक कह रहे हैं, बाबा बहुत काम करते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते, शायद इसीलिए बीमार हो गए हैं। ऐसा आपको लगता है? दुश्मन हमारे दरमियान है लेकिन आपको नजर नहीं आते। किसकी बात कर रही हैं सुल्ताना? यकीनन फातिमा सुल्तान की। वही मुस्तकिल सुल्तान मौज़म के खिलाफ बातें करती है। उनके बाबा के साथ जो कुछ हुआ उसका इल्जाम वो सुल्तान मौज़म पे आयद करती है। वालिदा, मुबालगा आरई कर रही हैं। फातिमा कभी कुछ ऐसा नहीं करेंगी। आपने पहले भी उन पर इल्जाम लगाया और शर्मिंदा हुई। वालिदा, इस किस्म की सोच आपको नुकसान पहुंचा रही है। कहाँ गई थी आप? हम यहाँ घंटों से आपका इंतजार कर रहे थे। कहाँ थी आप? कहीं नहीं, उकताहट का शिकार थे इसलिए ताजा हवा के लिए बाहर गए थे। अकेले? वो भी इस वक्त? आप खुद अक्सर भेस बदल कर बाहर नहीं जाती हैं क्या? हम बाहर चले गए तो क्या गलत है इसमें? ये कोई काबिले तकलीद काम नहीं है। बाहर कैसे गई आप, बताए खामोश क्यों है? अब्दुल कादिर के बताए हुए खुफिया रास्ते से। हमने ये खंजर छुपाया था, ये आपके पास कैसे आया? आलिया, कहीं आपने कोई हमाकत तो नहीं कर दी? फिक्र मत करें, हम इसे अपनी हिफाजत के लिए साथ लेके गए थे। क्या आपको लगता है कि हम वो दस्तावेजात देखने के बाद चचा को मार डालेंगे? वो दस्तावेजात चाली हैं। चचा ने हमें असल दस्तावेजात दिखा दिए। और आपने यकीन कर लिया? हो सकता है उन्होंने जो दिखाई वो जाली हो। उस वक्त वो तभी पाया तख्त में मौजूद नहीं थे। हमें इस पे यकीन नहीं, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने दस्तावेजात को तैयार किया था वो लोग चचा को माजूल करना चाहते हैं। वो 30 साल से इस तख्त पर बैठे हैं, क्या ये काफी नहीं है उनके लिए? वो अब शायद इस तख्त पर कभी नहीं बैठेंगे। चचा की सेहत मुजमहल है। जब सब लोग उनके पास मौजूद थे तो हम भी वहां जाने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सब पूछते कि फिर आप कहां पर हैं। नकाब उतर चुके हैं, हमने नकाब को उतार दिया है। अब हम इस खौफनाक नकाब के पीछे छुपे हुए चेहरे को भी खौफनाक ही समझते हैं। माफ कर दीजिए। माफ कर दें? माफी के नाम पर कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ गद्दारी की सजा दे सकते हैं। जिसने धोखा दिया उसने अपनी जमीन के साथ गद्दारी की। जिस नदी का वो पानी पीता है, जिस चक्की का आटा खाता है, उसने उससे गद्दारी की। उस्मान गाजी और
मुराद खुदावंदगार जो कोसोवो में शहीद हुए, फातेह सुल्तान मेहमद जिन्होंने इस्तांबुल को हमारे लिए वतन बनाया, और उन जैसे बहुत से, ये उन सब के साथ गद्दारी करना है। आपने उस सिपाही के साथ गद्दारी की है जो किसी चीज से परेशान नहीं हुआ सिवाय इसके कि वो गोली नहीं चला सकता था, इसीलिए शहीद हो गया। आपने हमारे साथ गद्दारी नहीं की, रियासत के साथ गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं। मेरे नफ्स ने शैतान की पैरवी की। मेरे गुनाह इतने ज्यादा है कि उनके लिए माफी मांगना अब मेरे अख्तियार में नहीं रहा। मेरे पास दोस्ती की आड़ में पनाह लेने का भी चारा नहीं। हमारी दोस्ती बाजाब्ता तौर पर उस दिन खत्म हो गई थी जब आप पहली बार इजलास में गए थे और आपने पहली बार कत्ल किया। अहमद जलालुद्दीन पाशा जो कभी वफादार हुआ करते थे, हमने कहा था हमारी तलवार इतिहास से काटती है और हमारा तराजू भी इंसाफ करता है। तो क्या फैसला है आपका? ये फैसला किया गया है, खून बहाया जाएगा, जाने ली जाएंगी, गद्दारी की कीमत खून के जरिए अदा की जाएगी। हमारे तराजू का वजन नाजुक है और हमारा तराजू वजन कम करने वाला है, इसका फैसला किया गया है। और गद्दार अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। आपका हुक्म अच्छी तरह समझ गया मैं, ऐसा ही होगा। तो फिर चढ़े, इस दाग को साफ करें। रियासत की रस्सी से ही आपकी गद्दारी का दाग साफ होगा। ये उस वक्त खत्म हो जाएगा जब आपके पांव के नीचे से इसे खींच लिया जाएगा। लेकिन न सिर्फ ये बल्कि हमारी दोस्ती और हमारा भाईचारा भी खत्म हो जाएगा। सारी कहानियां खत्म हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिले। हमने वो तीर का निशान कभी भी आपकी और हमारी दोस्ती की अलामत के तौर पर नहीं दिया था। लगता है कि ये सब एक ख्वाब था। काश का आपने गद्दारी ना की होती और आप हमारे जहन में हमेशा बहसियत वफादार अहमद जलालुद्दीन पाशा रह सकते। अपनी गद्दारी की सजा पाए आप। मुझे माफ कर दे सुल्तान मौसम। मगफरत आखिरत में है। इस दुनिया में गद्दार के लिए कोई माफी नहीं है। अब मौत का वक्त है। यही आपका अंजाम है। यही है। आज आप जिस तख्त पर हैं, कल दीगर गद्दार होंगे। रियासत से गद्दारी करने वालों को हम माफ नहीं करेंगे। पाशा,
तहसीन पाशा का है, तहसीन पाशा को बुलाए। अहमद पाशा को गिरफ्तार कर ले। अहमद पाशा फरार हो गए, तुम कैसे कह सकते हो ये? उनकी मेज और दराजे दोनों खाली हैं। रियासत के अहम फैसले सुल्तान मौजम के पूरी तरह से हतियाब होने तक वजीर आजम की हैसियत से मैं करूंगा। सड़क पर जिससे मेरा सामना हुआ वो भी सुल्तान मौजम का मंसूबा था। सुल्तान मौजम के साथ इस मंसूबे में शामिल थे तो फिर अहमद पाशा ने गोली क्यों चलाई? अपनी गद्दारी को छुपाने के लिए। मैं कभी भी रियासत या अब्दुल हमीद के खिलाफ नहीं जाऊंगा, मगर उन्हें यही लगेगा कि मैं गद्दारी कर रहा हूं, क्योंकि अब्दुल हमीद को खुद अब्दुल हमीद से बचाने की जरूरत है।